प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। परमेश्वर हम सभी को बहुत आशीष दे। प्रेरितों का 16वीं अध्याय 14वीं और 15वीं आयत है। लुदिया नामक थुयथीरा नगर की बेंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे बिनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वो हमें मना कर लेगी। ए वुमन नेम्ड लिडिया फ्रॉम द सिटी ऑफ थुयथीरा, ए डीलर इन पर्पल फैब्रिक्स, हु वाज ए वर्शिपर ऑफ गॉड, लिसन टू अस एंड द लॉर्ड ओपन्ड हर हार्ट टू पे अटेंशन एंड रेस्पॉन्ड टू द थिंग्स सेड बाय पॉल। And when she was baptized along with her household, she pleaded with us saying, if you have judged me and decided that I am faithful to the Lord, come to my house and stay. And she pursued us. Europe mein Paulus pahunch gaya Silas ke saath mein. Pahli baar Europe ki dwar Parmeshwar ne khol diya. अब तक सुसमाचार एशिया में, अफ्रीका में चल रहा था, लेकिन अब यूरोप में पहली बार सुसमाचार को लेकर गया। वहां पे सबसे पहली बार एक बहन यीशु मसीह को स्वीकार किया, एक बिजनेस वूमन। जब पौलुस प्रचार कर रहा था उस समय परमेश्वर ने इस लुदिया की दिल को खोल दिया ताकि पौलुस की प्रचार पर ध्यान लगा सके, और उसने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया परिवार समेत। और पौलुस से विनती करती है कि अगर आप मुझे परमेश्वर की विश्वासिनी विश्वास योग्य समझते हैं तो मेरे घर पर आइए, मेरे घर पर आकर रहे। मीनवाइल उसके घर में एक संगति चर्च भी शुरू होगी। इस अध्याय के आखिरी में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह को स्वीकार किया, पूरा घराना उद्धार पाया, अपना घर सुसमाचार के लिए, चर्च के लिए, प्रार्थना के लिए खोल कर दे दिया। कितना अच्छा विश्वासी है, कितना अच्छा विश्वास है, कितना अच्छा स्वभाव, कितना अच्छा रेस्पॉन्ड है, नो रेस्पॉन्स गॉस्पल के लिए और प्रभु की अभिषिक्त के लिए किया है। एक बहन अपना सारी सुविधाएं सुसमाचार के लिए खोल कर दे दिया। हम अगर प्रभु ने हमारे दिल को खोल दिया तो हमारे घर को खोल दे, हमारा हमारे लिए हमारे टैलेंट हमारे जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ सुसमाचार के लिए हम खोल दे, परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करने पाए। गॉड ब्लेस यू, God be with you. Shalom.